अस्सलामुअलैकुम। बात ऐसी है कि मैं आपको माशाल्लाह बहुत सारी नहारियाँ दिखा चुका पुरानी दिल्ली की, लेकिन ये जो नहारी है ना, ये एक हिडन जेम है। मैं इस टाइम पुरानी दिल्ली में ही हूँ और एक नई नहारी आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, शबान नहारी। तो शबान भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत है? हाँ बढ़िया, अल्लाह का शुक्र। भाई इस नहारी का जो थोड़ा सा जो प्रोग्राम है ना, वो ऐसा है कि जो मेरे कोई सब्सक्राइबर थे, मैं उनका नाम भूल गया भाई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ आओ और यहाँ की नहारी खाकर देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैं एक दिन यहाँ पर आया, मैंने यहाँ की नहारी खाई, जब शबान भाई थे नहीं, गाँव गए हुए थे, तो लेकिन नहारी जब खाई ना, तो भाई यकीनन मुझे तो मज़ा आ गया। तो मैंने सोचा कि ये अपनी पब्लिक को भी दिखा दी जाए। तो आज मैं यहाँ आ चुका शबान नहारी पर, बाकी सारी बातें हमारे शबान भाई बताएंगे। आइए अंदर आ जाइए। ये इनका एक पुराना सा, बिल्कुल पुराना सा देख रहे हो आप, होटल है इनका एक, जहाँ पर आप आओगे आराम से। यहाँ पर दो टेबल है पुरानी सी, चार स्टूल लगे हुए हैं, लेकिन भाई नहारी जो है ना, वो ज़बरदस्त है। तो शबान भाई ये बताइएगा, स्टार्टिंग कैसे हुई और कब से काम कर रहा है? मैंने तो इसको काम करते हो गया 3-4 साल, और मैंने दिल्ली में अच्छे अच्छे होटल में मैंने काम किया नहारियों के, नहारियों का। मैंने तो आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी करके बैठ गया हूँ काम, और आज 15-16 किलो नहारी बिक रही है। अच्छा, 4 साल से काम तो बहुत साल किए, मगर 4 साल हो गए यहाँ पे अपनी दुकान करते से। अच्छा, मुझे शबान भाई ये और बताइएगा कि नहारी जो प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है नहारी को बनने में? इसमें तो लगता है 3 घंटे। अच्छा, सुबह 9 बजे से 12, सुबह 9 बजे चढ़ती है, 12 बजे बंद होती है। ठीक है। हाँ, और खुलती है शाम को 6 बजे से, मतलब उसके बाद 3 घंटे बनने का, फिर दम पर रहती है। दम पे रहती है, 6 बजे खुलेगी फिर, मतलब फिर 6 घंटे तक दम पे रहेगी। हाँ, तो 6 बजे खुलेगी, 6 बजे से 9 बजे तक इसका टाइम है। अच्छा। हाँ। और टाइमिंग क्या है आपकी शॉप की? ये हमारी 6 बजे से चालू होता है। अच्छा। और 9-9:30 बजे तक निपट जाती है। तो कहने का मतलब वही था कि मैंने सोचा कि आपको एक नई नहारी ज़रा इंट्रोड्यूस करा दूं, जिससे कि आप पुरानी दिल्ली के अंदर आओ तो यहाँ की भी नहारी चक्कर देखो। मुझे यकीनन भाई, मैं खाकर गया था, मुझे मज़ा आ गया, तो सोचा कि आज वीडियो के ज़रिए आप तक ये नहारी पहुँचा दूं, शबान नहारी। और जहाँ पर यह है इस टाइम, ये है आज़ाद मार्केट, बेरी वाला बाग वाली जो गली है ना, बस उसी में आप आएंगे। एक ही नहारी का होटल है, बराबर में इनकी रोटी का होटल है, बस आपको यहाँ पहुँच जाओगे। तो अब इंशाल्लाह मैं जल्दी आ गया था कि देख, आप देख सकते हैं यहाँ रखी हुई है, ये देखिए पूरी लगी हुई है तंदूर की आराम से, और यहाँ पर नली भी रखी हुई है। तो अभी देख खुलेगी और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ, और ज़रा नहारी की जो शक्ल है, जो टेक्सचर है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलें। तो शबान भाई चलिए, देखिए जी बिस्मिल्लाह, अब नहारी की रंगत तो आप पूरी देख लीजिए, और अभी ये रोगन अलग होगा पूरा। ये अब रोगन निकलना ये स्टार्ट हो गया। अच्छा, इसके अंदर शबान भाई सबसे ज़्यादा जो गेम होता है वो नहारी की बोटियों का होता है, गोश्त का। हाँ। तो गोश्त कौन सा लगाते हो ये बताओ? हम बोंग लगाते हैं। देखो जी बोंग लगता है, और ये देख रहा रोगन पूरा, ये देखें बहुत बढ़िया, जवाब ही नहीं। ये देखें, ये ऐसे पूरा रोगन अलग हो जाएगा। तो जो ये होटल का जो ये नज़ारा है ना, इसको देखकर मत जाना। ये जो नहारी की एक देग रखी हुई है ना यहाँ पर, इसके लिए आप यहाँ पर आना, तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखेंगे सारा रोगन अलग हो जाएगा। शबान भाई तो भाई माशाल्लाह अभी प्रोसेस में लगे हुए हैं, रोगन अलग हो रहा है। अब इसके अंदर क्या है, भेजे भी हैं, नली भी है, वो सब आपको धीरे धीरे करके निकाल के दिखाता हूँ। आइए इधर आइए और दिखाऊँ मैं आपको। आप जानते हैं कि नहारी की जब देग जो खुलती है ना, शुरुआती नहारी क्या है, थोड़ी सी पतली होती है, बीच की नहारी एकदम अच्छी हो जाती है, और लास्ट की नहारी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो अभी आप इसके अंदर से निकलना स्टार्ट होंगे। क्या देखिए जी, पूरा रोगन निकल चुका है, ये वाला ये भी भर चुका है, और ये वाला भी भर चुका है। भेजे निकल रहे, देखो जी अब ये आ चुके भेजे, बहुत बढ़िया। ये देख रहा,
ये बोटी है बोंग, ये देखिए जी बोंग का पीस देख ले माशाल्लाह कैसा आया एकदम बड़ा सा, ये गया अंदर भाई लाजवाब। तो आज आपको एक नहारी और दिखा दी पुरानी दिल्ली की कि आपको खाते ही मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। और ये शबान भाई जो है ना हमारे, ये पिछले 3 साल से यहाँ पे चला रहा है नहारी की दुकान, और ये सारे जाने माने पुरानी दिल्ली के जितने भी नहारी के होटल है ना उन सब में नहारी बना चुके हैं। तो नहीं शबान भाई सही बात है? हाँ जी, देखो जी सारे भेजे निकल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद देखो जी ये आ चुके भेजे और अब निकलेंगी नलियाँ। ये देखो आप, ये आ गई नली भाई, बहुत बढ़िया, देख रहे हैं नली पूरी, और ये यहीं ढह जाएगी लाजवाब, बहुत बढ़िया। हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है भाई। ये खाली नली इसमें, और उसके बाद देखिए जी ये आ गई एक और नली, और सब इसके अंदर इतनी मिखती वो सब निकल गई, बहुत बढ़िया लाजवाब है जी। अब क्या निकलेगा जी? भोंग निकलेगी। देखो जी अब इसके अंदर से भोंग निकलना स्टार्ट होगी, और भोंग देखें आप जरा। अच्छा जी एक भेजा और निकल गया अभी, ये भेजे खो जाते हैं अंदर आए। ये देखिए जी, देख रहे हैं कितनी बड़ी भोंग निकली है, बहुत बढ़िया ये अंदर गई लाजवाब। और बड़े बड़े पीस हैं यहाँ पर देखो माशाल्लाह, देख रहे हैं आप जो नहारी के होते हैं ना गोश्त के, वो पूरे बड़े बड़े लाजवाब है भाई। ये देखो कितना बड़ा पीस निकला भाई। सब बोटी बेटा, सब बोटी की। और ये देखो भाई ये आ चुकी बोटी, और देख रहे हैं आप ये देखो अदले की बोटी आ चुकी है पूरी, देखो आप लाजवाब है ये नहारी। ये इसके ऊपर बहुत सारा रोगन भाई, और ये गरम मसाला, और इसके बाद ये आएंगी अब हरी मिर्चें। तो चलिए भाई काफ़ी टाइम हो चुका देख खुले हुए भी, माशाल्लाह कस्टमर आए और कस्टमर चले भी गए खाकर। अब क्या है अपने लिए भी ज़रा नहारी निकलवा लेता हूँ और ज़रा आपको दिखा देता हूँ, आ जाइए। देखिए जी पहले तो शबान भाई ने ज़रा रोगन वाले भगोने में से भोंग का पीस निकाल लिया, और वो आ चुका इस भगोने में, ये देखें देख रहे हैं आप। और ये आ चुकी भाई नहारी हमारी, बहुत बढ़िया। ये गारंटी है कि अगर आप एक बार यहाँ नहारी खाने आओगे ना आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। और अब यहाँ पे देखिए ये नहारी डलना स्टार्ट, और इसके अंदर से ही, और ये आ चुका भेजा। देखो जी अब भेजा भी मैंने सोचा कि डलवा ही लूँ तो अलग ही मज़ा आ जाएगा। ये देख रहे हैं भेजा माशाल्लाह बहुत बढ़िया। अब ये नहारी आराम से बढ़िया हो जाएगी, और नहारी की आप रंगत भी देख रहा हूँ ना, ये हल्की हल्की जो काली हो रही है। और ये देखिए ये नली भी है, ये आ चुकी नली भी। ये ज़्यादा जो नहारी पकाई आती है ना जो दम पर होती है, ये उसके मसालों से ऐसी आती है। और अब नहारी की रंगत देखें माशाल्लाह, और ये इनका मसाला गरम मसाला, ये देखें बहुत बढ़िया। और उसके साथ साथ यहाँ पर अब हल्की सी हरी मिर्ची भी डलेंगी, और अदरक, बहुत बढ़िया। और ये आ चुका भाई नींबू हमारा लाजवाब। तो भाई शबान भाई ने माशाल्लाह नहारी निकाल के दे दी है, और नहारी की प्लेट देख लो, और नहारी की माशाल्लाह रंगत देखोगे ना मज़ा ही आ जाएगा आपको।
तो ये आपका भाई एकदम आपको हिडन जेम नहारी है ना वो दिखा रहा हूँ, और यही इनके बराबर में इनका रोटी वाला होटल है, तो वहाँ से ये आ चुकी रोटी। और अब हल्का हल्की से इसके ऊपर नली डाली है, हल्का हल्का से इसके ऊपर भेजा लिया है मैंने, और इनकी बोंकी बोटी देखिए जी, नहारी की रंगत देख रहा है माशाल्लाह ये। और भाई मैंने तो खा रखी है, मुझे तो लाजवाब लगी। अब ज़रा निवाला बनाकर बढ़िया सा भरपूर सा इसके अंदर भेजा नली, और सब आ जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। बिस्मिल्ला, मज़ेदार है भाई, मुझे तो पर्सनली बहुत बढ़िया लगी जब भी और अब भी, मज़ा आ गया बिल्कुल। और यहाँ पर आप देसी घी का भगार भी करवा सकते हो, मक्खन का भी करवा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और देखो बोटी दिखाऊँ आपको, बोटी तो फ़िलहाल आपने देख ही ली थी, ये देखें, देख रहे हैं बोंग के पीस माशाल्लाह, ये देखे कैसे गिर रहा है। तो ये लाजवाब नहारी है भाई, अगर आपको अपनी नहारिया को टेस्ट चेंज करना है तो आपको शबान होटल आना है, आज़ाद मार्केट बेरी वाले बाग में। मज़ेदार भाई, बाकी शबान भाई का नंबर एड्रेस सब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इनकी जो गूगल लोकेशन है वो भी डाल दूँगा बेरी बाग वाले की। भाई मज़ा आ रहा है मुझे तो, बिल्कुल जवाब ही नहीं है यार, ये देख रहे हैं ये। उंदा है भाई, मज़ा। तो बस मैंने सोचा कि आपको माशाल्लाह आज एक नई नहारी से मिलवा दिया जाए, और तुम्हारा भाई मतलब मैं तो ढूंढ के नहीं लेकर आया, मुझे भी भाई हमारे सब्सक्राइबर आप जैसे लोगों ने ही बताया, क्योंकि आप इतना प्यार जो करते हो। लेकिन जब मैंने नहारी देखी खाई, जब मुझे समझ में आया कि हाँ भाई ये नहारी है, तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है। जब आप यहाँ पर आओ तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो अब इस नहारी से, शबान भाई से और इस होटल से लेता हूँ इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे जगह के साथ। अल्लाह हाफिज़।